अस्सलामुअलैकुम टेक्स्ट और देखने का शुक्रिया दोस्तों, मेरा नाम यासीन है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसके बारे में दोस्तों, ये है रेडमी नोट 9 प्रो और आज मैं आपसे इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। ये फ़ोन लॉन्च हो चुका है पाकिस्तान में, 44,000 की प्राइस रेंज में मुझे मिला है मार्केट से आज, लेकिन हाँ इसकी ऑफिशियल प्राइस 45,000 रुपये है। ये फ़ोन आता है 6 GB और 128 GB की स्टोरेज के साथ। तो मज़ीद हम जानेंगे कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने के बाद ऑल के ऑप्शन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। तो दोस्तों यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है 1 अदद चार्जर, 1 अदद USB टाइप सी की चार्जिंग केबल, उसके अलावा है इसके लिए एक बैक कवर जो कि बड़ी लो क्वालिटी का है। इससे अच्छा होगा कि आप जाकर मार्केट से एक अच्छी क्वालिटी वाला बैक कवर ले लें ताकि पहले दिन से आपका फ़ोन प्रोटेक्शन हासिल कर सके। फिलहाल मिलती है एक हैंड फ्री। तो बस यही थी हमारे बॉक्स के कंटेंट, पर अब आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन की बात की जाए तो मैं शुरुआत करूँगा इसके फिज़िकल ओवरव्यू से। फिजिकल ओवरव्यू की बात की जाए तो यहाँ फ्रंट और बैक दोनों पर ही प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज़ किया गया है। बैक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 4 कैमरा देखने को मिलते हैं और ये जो कैमरा आपकी बार रेडमी ने पुट किए हैं अपने इस फ़ोन में, इस मॉडल में, ये बड़े ही यूनिक टाइप के देखने को मिलते हैं क्योंकि मैंने इस प्राइस रेंज में जितने भी फ़ोन्स देखे हैं वो अमूमन यही उसमें सीन चलता आ रहा होता है, क्या तो राइट साइड पर उसके कैमरे होते हैं 4 नीचे करके, वही रिवायती मॉडल बनता आ रहा है। तो यहाँ पर रेडमी ने ये एक यूनिक स्टाइल दिया है, एक यूनिक डिज़ाइन प्रोवाइड किया है। उसके अलावा अगर मैं बैक की बात करूं तो यहां पर ये कलर आपको बड़ा ही अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। एक्चुअली यार इसके सारे ही कलर काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। और अगर मैं इसके बटन्स की बात करूं तो यहां पर राइट साइड पर आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है और उसी में आपको फिंगर माउंटेड भी देखने को मिलता है, यानी फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपका उसी में है। मैं अपनी पर्सनली यूजेज की बात करूं तो मुझे यहाँ इन डिस्प्ले वाला या बैक फिंगरप्रिंट सेंसर ज़्यादा पसंद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि राइट हैंड पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया होता है वो ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, जो कि इसमें फास्ट वर्क करता है और मुझे वो पर्सनली अच्छा भी लगता है, आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पावर ऑन ऑफ के बटन भी यहीं देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहां पर आप 2 SIM और 1 microSD कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की साइड की बात की जाए तो यहां पर एक स्पीकर है, 3.5 mm का जैक है, उसके अलावा है एक USB टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट। सो ओवरऑल डिज़ाइन के लिहाज से Xiaomi ने अब की बार ये एक यूनिक डिज़ाइन निकाला है, तो इस प्राइस रेंज में मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। और दोस्तों अब अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पर देखने को मिलता है 6.67 इंच का IPS LCD पैनल, जिसकी रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी की बात की जाए तो वो है 395 PPI। उसके अलावा यहाँ प्रोटेक्शन के लिए इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज़ किया गया है और प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी दिया गया है। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन अच्छा देखने को मिलता है। पंच होल कैमरा दिया गया है बिल्कुल सेंटर में, राइट के बेजल्स कम है, चिन थोड़ी छोटी बनाई गई है। अगर मैं कलर क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर HD+ डिस्प्ले होने की वजह से कलर क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगा कि अगर कंपेयर किया जाए इसको कॉम्पिटिटर्स से तो वहाँ पर आपको कलर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके कलर्स उस लिहाज से इतने बेहतर नहीं बनाए गए और यहाँ पर आपको 90Hz या 120Hz जैसा कोई भी डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता। अगर तो यहाँ पर प्रो लगाया गया है नाम में रेडमी के बाद, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 90Hz वगैरह जैसा कुछ ऐड करना चाहिए था, जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा अगर मैं ब्राइटनेस लेवल की बात करूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम है। आप धूप में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ यूज़ करते हो आपको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए था। और अगर मैं सिक्योरिटी के लिहाज से बात करूँ तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट बनाया गया है और काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट वर्क करता है। उसके अलावा फेस अनलॉक की अगर मैं बात करूँ तो वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा और एक्यूरेट वर्क करता है। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 9 प्रो के कैमराज के बारे में। अगर कैमराज की बात की जाए तो यहाँ बैक पर आपको 4 कैमराज देखने को मिलते हैं, जिनमें से 64 MP का f1.9 के अपर्चर वाला वाइड एंगल मेन सेंसर, 8 MP का f2.2 के अपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जबकि 5 MP का f2.4 के अपर्चर वाला मैक्रो लेंस है और चौथा 2 MP का f2.4 के अपर्चर वाला डेप्थ सेंसर है। और अगर फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो यहां पर 16 MP का f2.5 के अपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस दिया गया है। दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो कर सकते हैं,
1080p पे फ्रंट वाले कैमरा से, जबकि बैक से आप कर सकते हैं 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। और अगर पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर कलर मेंटेनेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर Redmi Note 9 Pro ने कलर को अच्छा मेंटेन किया है। शार्पनेस पे आऊँ तो यहाँ पर पिक्चर में शार्पनेस भी अच्छी देखने को मिलती है। बोके इफेक्ट में बात करूँ तो बोके भी यहाँ पर आपको सही देखने को मिलता है और बैकग्राउंड ब्लर भी सही मैनेज होता है। उसके अलावा अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का सेंसर होने की वजह से सेल्फी क्वालिटी अच्छी आती है और स्किन टोन्स भी ठीक देखने को मिलते हैं। और अगर ब्लर की बात की जाए तो यहाँ पर भी ब्लर आपको सही देखने को मिलेगा। ओवरऑल कलर क्वालिटी की बात हो या कैमरा की बात की जाए फोन की, तो वाकई में यहाँ पर कैमरा अच्छा बनाया गया है और पिक्चर क्वालिटी आपको बड़ी ही उमदा देखने को मिलती है। और दोस्तों फाइनली मैं आता हूँ इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर दिया गया स्नैपड्रैगन 720G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि 8 नैनोमीटर पर बेस्ट है और यहाँ पर एड्रीनो 618 का GPU दिया गया है। ये फोन एंड्रॉयड 10 के साथ शिप होता है जिसमें Xiaomi की अपनी UI यानी कि MIUI 11 लेटेस्ट लगाई गई है और मैं इसे लेटेस्ट पे ही अपग्रेड कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस है वो इस UI की स्मूथ देखने को मिलती है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि यहाँ पर एनिमेशन के अंदर थोड़ा थोड़ा सा लेग देखने को मिला। उसके अलावा यहाँ पर आपको एड्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस पे आऊँ तो यहाँ पर गेमिंग में अच्छी बात यह है कि परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलती है। पबजी आप इस पर स्मूथली प्ले कर सकते हैं, वहाँ पे किसी तरह का कोई लेग देखने को नहीं मिलेगा और कोई भी हीटिंग इशू भी देखने को नहीं आएगा। यहाँ पर आपको उनके लिहाज से गेमिंग के लिए कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता और डेली डे यूजेज इंटरनेट एप्स ये सब तो स्मूथली वर्क करते हैं, अच्छा चलते हैं। बस मुझे शिकायत इसके एड सिस्टम से है और अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पर स्वाइप करते हैं और साइड पे एनिमेशन देखते हैं तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा लेग देखने को मिलता है एनिमेशन के अंदर। अदरवाइज़ ये UI अच्छा वर्क करती है और स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। और अब अगर मैं यहाँ पर इसके स्टोरेज टैप की बात करूँ तो वो है UFS 2.0 जिसकी स्टोरेज स्पीड आई है 41359। और अगर मैं यहाँ पर अब आपसे बात करूँ इस फ़ोन के Geekbench स्कोर के बारे में तो यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर है 566 जबकि मल्टी कोर स्कोर है 1514। और इसी तरह अब अगर मैं आपसे बात करने लगूँ इसके Antutu स्कोर की तो यहाँ पर Antutu स्कोर देखने को मिलता है 237069। तो इन स्पेसिफिकेशंस को मद्देनजर रखते हुए ये सारे स्कोर तो सही आए हैं और यहाँ पर गेम की परफॉर्मेंस और अदरवाइज डेली डे यूजेज के लिहाज से भी परफॉर्मेंस, गेमिंग, हर एक चीज़ से फ़ोन परफॉर्मेंस के लिहाज से अच्छा वर्क करता है। और अब बढ़ते हैं इस फ़ोन की बैटरी की तरफ। बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 5030mAh की बड़ी बैटरी को देखने को मिलती है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है 30 वोल्ट के चार्जर के साथ। और इन स्पेसिफिकेशंस के साथ ये बैटरी एक दिन चल जाएगी जो कि हैवी यूज़र्स हैं, लेकिन हाँ डेढ़ दिन भी चल सकती है अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हों तो। दोस्तों बैटरी चार्जिंग टाइम क्या है और ड्रेनिंग टाइम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा इसके कंपैरिजन में, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने के बाद उनके ऑप्शन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।